स्टूडेंट्स के लिए वैल्यू ऑफ लॉग कैलकुलेट करना टफ हो जाता है। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे कि बिना किसी लॉग टेबल की सहायता के हम लॉग को कैसे पता लगाएंगे बहुत जल्दी। इसके लिए आपको मेरे कुछ अप्रोचेस को समझना होगा। फर्स्ट, अब स्टेप फर्स्ट में क्या काम करेंगे ध्यान से देखिएगा। स्टेप फर्स्ट में आप कुछ बेसिक लॉग्स आपको याद ही रखने पड़ेंगे। फिर स्टेप टू में, तो ये बेसिक लॉग कौन से देखिए ध्यान से, जैसे लॉग जीरो, लॉग जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइन है। लॉग वन की वैल्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लॉग वन हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो, लॉग टू 0.3010, लॉग थ्री 0.4771, लॉग फोर पॉइंट, अब लॉग फोर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब लॉग टू है, लॉग टू को क्या लिख सकते हैं, लॉग फोर को क्या लिख सकते हैं, लॉग टू प्लस लॉग टू, इज दैट क्लियर। क्योंकि फोर की जगह आप टू मल्टीप्लाई बाय टू, और टू मल्टीप्लाई बाय टू को लॉग टू प्लस टू लॉग टू, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 0.6020, हमने दो बार ऐड कर लिया। ये हमारे पास लॉग फोर, लॉग फाइव, लॉग फाइव की वैल्यू आपके पास आती है 0.69, अप्रोक्सीमेट 0.7 ले सकते हैं आप। लॉग सिक्स, लॉग सिक्स की वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिक्स इक्वल टू क्या फैक्टर बनेंगे, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, यानी लॉग टू प्लस लॉग थ्री लिख सकते हो आप। तो लॉग टू प्लस लॉग थ्री लिखने के बाद आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी, 0.7781। लॉग सेवन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो 0.84 आपको याद रखना पड़ेगा। लॉग एट नहीं याद करना पड़ेगा क्योंकि लॉग एट की वैल्यू आपके पास होगी लॉग टू की पावर थ्री, तो टू की पावर थ्री आने से आपके पास क्या आ जाएगा, थ्री लॉग टू, थ्री लॉग टू यानी कि थ्री से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट क्या हो जाएगा 9030, ये आपके पास लॉग एट की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद आएगा लॉग 9, लॉग 9 भी आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि log 9 का मतलब होता है 3 पावर 2, यानी 2 log 3, तो 2 log 3 का मतलब हो गया आपको इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू क्या आएगी 2459.0। आपने इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया है, और log 10 की वैल्यू हम सब जानते ही हैं। तो ये हमारे पास एक अप्रोच है जिससे हम आराम से निकाल सकते हैं इन लॉग्स के वैल्यूज के बीच में। अब इस पे प्रैक्टिस हम करते हैं, किस तरह से हमारे को स्टेप टू की मदद लेनी पड़ेगी। स्टेप टू, अगर हमें कोई इजी लॉग दिया हुआ है, देखिए हमें दिया जा रहा है लॉग, सपोज दे दिया 4.578, हमें इस तरह की वैल्यूज दी गई है लॉग 4.578, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालेंगे इस मेथड में विदाउट लॉग टेबल। तो क्या आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि हमें लॉग 4.6 दिया हुआ है, 5.7 को हमने 0.6 ले लिया, या अप्रोक्सीमेट हम आगे भी कर सकते हैं। हमें क्या मालूम है, क्या हमें लॉग 4 की वैल्यू मालूम है, हाँ। क्या हमें लॉग 5 की वैल्यू मालूम है, हाँ। तो जब लॉग 4.6 है तो वो इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू वेरी करेगा। अब वो किसके पास में होगा, आप खुद देखिए, आपके पास 0.6 है, अगर एग्जैक्ट मिड होता तो आप इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू रख देते, इन दोनों के बीच की, लेकिन अब थोड़ा इसके ज्यादा पास है तो मेरे लिए ये वैल्यू जो जाएगी, अप्रोक्सीमेट में वैल्यू की बात कर रहा हूँ, और अप्रोक्सीमेट ये जो वैल्यू मेरे पास जाएगी वो आएगी 4 से बड़ी वाली वैल्यू और 5 से छोटी वैल्यू, तो मैं इसके लिए ले सकता हूँ 0.6, ये तो मेरे पास आएगा ही आएगा एवरेज 0.6, लेकिन मैं इसको 9 के क्लोज लेने की कोशिश करूंगा और 0 से थोड़ा दूर की तरफ, जबकि एग्जैक्ट बीच वाली वैल्यू क्या आती है 0.6, 9 का आधा होता था 4.5, तो मैं इसको राउंड फिगर में क्या लिखूंगा 0.65 के पास लेने की कोशिश करूंगा। इज दैट क्लियर, इससे मेरा आंसर बहुत ज्यादा क्लोज आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन क्लोज तो आ जाएगा और मेरा काम चल जाएगा। अगर किसी ने कहा मुझे लॉग 7.2 की वैल्यू निकालनी है, मैंने कहा बहुत आसान है, क्या आप लॉग 7 की वैल्यू जानते हैं, हाँ। कितना जानते हैं 0.84, थोड़ा सा बड़ा रखो, 0.84 से बड़ा रख दो, और 90 से तो बहुत छोटा रखना है, तो आपके पास क्या आएगा 0.84 की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर 0.85 या 86 तक जा सकते हो, इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, सही है, या तो यहाँ पर 5 होगा या 6 होगा, इससे ज्यादा वेरी नहीं आएगा मेरी इस अप्रोच से। अगर आपसे कोई कहता है लॉग मुझे ये निकालना है 5.4 या मेरे को दिया जा रहा है 5.8, अब देखिए,
तो 5.8 है, तो ये 5 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा, तो 6 के पास होगा। तो आप ये देख लीजिए कि यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 0.77 की जगह 0.75 लिख दूंगा, मेरा काम चल जाएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो मेरे पास हो जाएगा 0.75 या 76, इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा क्योंकि 8 है, काफी क्लोज है 6 के। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं। अब आता है थोड़ा सा बड़ा वैल्यू। अगर आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है आपको, आपको ये दिया गया है लॉग 4, 8, 2, 1, 5, तो बहुत बड़ा लग रहा है। तो क्या आप इसको लिख सकते हो लॉग 4.821 मल्टीप्लाई बाय 10^(1, 2, 3, 4) 4 लिख सकते हो, यस। अब इन दोनों को तोड़ दो, लॉग 4.8 की वैल्यू क्या होगी, लॉग 4.8 की वैल्यू होगी 4.8, यानी 5 से कम और 4 से ज्यादा, तो ये आपके पास आएगी 0.67 लगभग। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 0.67 प्लस लॉग 10^4, 10^4 अब आपके पास क्या हो जाएगा 4, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.67। तो ये काफी हद तक अप्रोक्स है, ज्यादा ज्यादा मेरा आंसर पॉइंट कैलकुलेटर से करता हूं तो 4.66 आएगा या 4.68 आएगा, 0.01 की एरर बहुत कम है, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप आसानी से इससे लॉग लेना सीख चुके हैं। और अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो मैं आपको लॉग टेबल के साथ भी सिखाऊंगा, लेकिन इस टॉपिक के बाद। इज दैट क्लियर? तो आप इन सबको नोट डाउन करिए, कुछ और एग्जाम्पल करेंगे हम। तो देखिए, हम बात करते हैं एक और लॉग। अगर हमसे कोई कह देता है 0.0045 इसकी वैल्यू निकालनी है, बड़ा टफ है, हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे लॉग, मैं इसको लिखूंगा 4.5 × 10^(1, 2, 3) यानी -3। बहुत आसानी से लिख सकता हूं, या सुनो 4.5 की वैल्यू क्या होगी, 4 और 5 के बीच की कोई वैल्यू होगी। मान लीजिए आपके पास ये वैल्यू आ रही है 0.6, यही आ रही है, तो ये वैल्यू किसके बीच में आएगी, इन दोनों के बीच में कौन सी आएगी, 0.645, ये आ गया। और ये आपके पास आएगा प्लस 10^-3 के लॉग की वैल्यू कितनी होगी, -3। तो अब आपके पास वैल्यू क्या आएगी, यानी आप ये देख लीजिए कि 4.5 और जितने जीरो लगाने, 1, 2, 3, 10^-3 ले लेंगे इसको ये बनाने में। तो आप हमेशा ऐसे ही बनाएं, कोई भी डिजिट दी हो ना उसको x डॉट y बनाए, यानी यहां 4.5 बनाए, 45 पॉइंट समथिंग मत लें, मेरी अप्रोच इसी तरह से वर्क करती है। तो जब आप ये करेंगे तो -3, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 5, ये आपके पास आएगा 3.2, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आएगी माइनस में क्योंकि -3 बड़ा है, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी वैल्यू निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल है आपके पास, और ये एक और एग्जाम्पल, अगर आपको इस तरह का कोई दिया हुआ है लॉग, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको दिया जा रहा है 0.002186, बहुत इजी है, आप इसको क्या करेंगे, लॉग क्या लिखेंगे यहां पर, 2.1 × 10^-3, 2.1, 2 की वैल्यू, लॉग 2 की वैल्यू कितनी थी, 0.3010, तो लॉग 2.1 की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए 2.1 मत लिखो, आप 2.2 लिख लो राउंड फिगर में, लेकिन 2.2 की वैल्यू क्या होगी, जब लॉग 2 की वैल्यू 0.30 है, तो ये ज्यादा ज्यादा कितना होगा, आपके पास आ जाएगी ये वैल्यू 0.3010 की जगह 3 लिख लो, इससे ज्यादा फर्क नहीं लिखे पड़ेगा, 3.4 लिख लो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस 3 रहेगा प्लस, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2.67 आपके पास ये वैल्यू बचेगी, और ये भी माइनस में। तो क्या आपको लॉग लेना आ गया, हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम इस लॉग को लेना सीखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, लॉग निकाली है, एक और एग्जाम्पल, लॉग क्या ले रहे हैं आपको, 2.0056 आपको निकालना है। अब इसको और लिख लेते हैं, 22.0056। तो पहले आप समझिए कि आपको दिया क्या है, आपको लॉग 22 ही दे दिया है एक तरह से। अब ये इसका निकालने का कोई मतलब नहीं है, तो इनडायरेक्टली ये आपके पास किसके इक्वल हो गया, लॉग 22.0।
तो 22 को अब आपको देखना है, तो आप क्या लिखेंगे इस जगह पर 22 है, तो इसको लिखिए 2.2 इंटू 10 पावर 1। और 2.2 का लॉग कैसे निकालेंगे, लगभग 2 से बड़ा होगा और 3 से तो बहुत छोटा होगा, तो ये आपके पास हो गया पॉइंट कितना हो जाएगा लॉग 2.2, तो ये आ जाएगा 0.34 या 3.5 और ये आपके पास आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.34। बहुत इजी आप लॉग निकाल सकते हैं मेरी इस अप्रोच से, निकाल सकते हैं। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, तो यही हमें बताना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगी, जबकि इस तरह का अगर 0 पॉइंट के पहले कोई इंटीजर नहीं है तो भूल जाओ, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, वैल्यू नेगेटिव में आएगी। एक और एग्जांपल आप लिखिए, जितने एग्जांपल मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो ये आपके पास एग्जांपल और हो गया, अगर मैं आपको लिख रहा हूं पॉइंट 6785, आप क्या करो, अब इसको लिख दो राउंड फिगर में लॉग, क्या लिखोगे आप 6.7। मैंने हमेशा बोला है एक्स डॉट वाई की फॉर्मेट में चेंज करो, एक्स डॉट वाई की फॉर्मेट में इंटू 10 पावर माइनस 1, बताओ वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, नेगेटिव, बिल्कुल सही है। तो ये 6.7, तो 6 की वैल्यू क्या आ रही है 0.7781 और 7 की वैल्यू, तो इस वैल्यू को देख के लग रहा है ये पॉइंट आपके पास क्या होगा 82 या 81 के समथिंग होगा, क्योंकि इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। तो मेरे पास, मैंने मान लिया ये 82 के समथिंग आ रहा है या 81 के पास समथिंग आएगा, तो ये 2 और यहां पर आएगा आपके पास -1, तो यहां आपके पास हो जाएगा 0.18, क्लियर है, और वो भी माइनस का। तो इस तरह से आप मेरी अप्रोच से आप किसी भी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो आपने समझ लिया लॉग कैसे निकाल